मॉर्निंग रिस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर इंग्लिश क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में। ठीक है बेटा, नाउंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने भी नाउंस की जो काइंड्स थी उनके बारे में पढ़ा था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउंस के बारे में। बेटा आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये हम काउंट कर सकते हैं। पहले तो काउंट के नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल। काउंट होता है गिनना, तो इसका मतलब क्या है, गणनीय। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल अगिननीय जिनको हम नहीं गिन सकते। तो ये बॉक्स है देखो, 1 2 3, तो आप इसको काउंट कर सकते हो। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउंस। यहाँ पे क्या है बेटा, क्लाउड। क्लाउड से क्या गिर रही है, रेन ड्रॉप्स, तो आप रेन ड्रॉप्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल बॉय, पेन, डॉग, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा। आप वैसे बोलते हो बेटा कि जैसे बॉय, एक लड़का, दो लड़के, 3 boys 4 boys, 50 boys, सो ऑन। ऐसे ही 1 pen 2 pen 3 pen 4 pen, 10 pen 20 pen, सेम एस मोबाइल, 1 mobile 2 mobile 3 mobile 4 mobile। ठीक है बेटा, तो इसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन, जो हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल। आगे है आपका अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है बेटा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या कभी आप बोलते हो 1 pani 2 pani 3 pani? नो, आप नहीं बोलते। वाटर, गोल्ड, ब्लड, शुगर, इनको हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल्स नाउन। आगे है बेटा काउंटेबल नाउन्स के बारे में हम कुछ और पढ़ते हैं। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वन, जब एक हो, वी यूज एन, ए और एन, तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं या एन लगाते हैं। जैसे अ बुक, एन एप्पल, अ काओ, अ काओ एन ऑक्स। क्या है, जब जो हमारा नाउन है वो सिंगल हो, यानी कि एक हो, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ए यूज़ करते हैं या एन। ये मैंने आपको पहली पिछली क्लास में बताया था, आर्टिकल्स ए और एन, द के बारे में, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। ठीक है बेटा, काउंटेबल नाउंस कैन बी चेंज इनटू प्लूरल। क्या है, जो काउंटेबल नाउन है वो हम उनको चेंज कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म्स में, यानी कि उनको हम एक वचन से बहुवचन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगोज। मैंगो मीन्स एक मैंगो, मैंगोज मीन्स मैनी मैंगो, कितने भी हो सकते हैं, 5 4 10। ठीक है बेटा, कैट, एक कैट, कैट्स मैनी कैट्स, टॉय, एक टॉय, टॉयस मैनी टॉयस। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको काउंटेबल नाउन समझ में आ गए हैं। आगे है अनकाउंटेबल नाउन्स, थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जैसे साल्ट, डस्ट, आइस, इनको हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी चेंज इंटू प्लूरल फॉर्म, जो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, हम उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। मीन्स एक वचन से उनको
बहुवचन नहीं बना सकते, वो अपने आप में ही एक प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे न्यूज़, तो न्यूज़ को हम न्यूज़ ही लिखते हैं, न्यूज़ थोड़ा ना लिखते हैं पीछे ई एस लगा दें, नो, तो न्यूज़ न्यूज़ ही होता है। गोल्ड गोल्ड, लव लव की प्लूरल फॉर्म नहीं हम बना सकते, तो लव का लव। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल काउंटेबल के जो नाउन है उनमें क्या डिफरेंस होता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पे आपको ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ग्रामर बुक में। तो इसमें आप देखो, टिक द पिक्चर इन विच यू कैन काउंट द थिंग, उस थिंग पे टिक करो जिसको आप काउंट कर सकते हो। बताओ, वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं। आगे है, थिंग्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ये मैंने आपको समझा दिया, जैसे एन एप्पल पाई, अ टॉर्च, पोटैटोस, बुक्स। व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर वी यूज द आर्टिकल ए और एन। एग्जाम्पल, फादर बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर मी, आई बॉट अ वुडन बॉक्स, दिस इज एन एलिगेटर। यू कैन नंबर यूज नंबर्स बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे आई बॉट 5 स्वेटर्स, 4 विंटर्स, अब ये क्या है, नंबर। शी पुट 3 चॉकलेट बार इन माई बैग, तो ये हमारा 3, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। दैट थिंग कैन नॉट बी काउंट इन नंबर्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिनको हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते वो कौन सी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। इसकी एग्जांपल दी हुई है, साल्ट वाटर गोल्ड डस्ट। अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि इसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इनकी फॉर्म दी हुई है, इसको चेंज करके क्रॉस किया हुआ है, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। आगे आपकी वर्कशीट है, फर्स्ट वर्कशीट में आपने क्या करना है, काउंटेबल के लिए सी यूज़ करना है और अनकाउंटेबल के लिए यू सी यूज़ करना है। तो ये आपने वर्कशीट ट्राई करनी है खुद। आगे सेकंड वर्कशीट भी आप करके देखोगे, इस बॉक्स में से आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अलग अलग करके लिखना है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। Thank you. Have a nice day.